हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग चैप्टर मोशन। और अभी तक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। ग्राफ पढ़े थे ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सब पढ़े थे। ठीक है, अब जो बेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब जितनी तरह जो भी हमने पढ़ा मोशन के बारे में, एक्सीलरेशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, सब पढ़ा, मतलब कुछ मोशन हो रहा है, तो कुछ मोशन हो रहा है उसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, उस मोशन को हम इक्वेशन में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें आज अभी इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, दैट इज इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी हो और टाइम हो। ठीक है ना, वेलोसिटी और टाइम हो। ये पढ़ने के लिए बेटा ये मैंने ग्राफिकल मेथड से पढ़नी है। ठीक है ना, इसको और भी मेथड से निकाल सकते हैं मेरी इक्वेशंस को, पर हमें क्या है ग्राफ की हेल्प से पढ़ना है। जो आपकी क्लास नाइन्थ में आपकी एनसीईआरटी में दिया है वो ग्राफ की हेल्प से पढ़ना है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। सपोज मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है VOT का। ठीक है, ये तो कब होगा, जब उसकी जो वेलोसिटी इनिशियली टाइम जीरो पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, यहां पर है VO। ठीक है, अगर उसकी पहले से ही कुछ वेलोसिटी हो जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, टाइम जीरो पे अगर कुछ पहले से ही वेलोसिटी हो, तो मतलब जब ये टी की वैल्यू ग्राफ में जीरो है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो ये यहां से ना शुरू होके ये यहां से शुरू होती है। ठीक है ना, अगर टाइम जीरो पे पहले ही कुछ वेलोसिटी की वैल्यू, तो ये टाइम एक्सिस है, जब टाइम जीरो है मतलब यहां, और पहले से ही कुछ वेलोसिटी है तो सपोज वो यहां पर है। ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी है, और जो ये वेलोसिटी है पहले से जो वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बहुत इजी है बेटा, एक बार समझ लोगे, एक बार करके देखोगे आप अपनी कॉपी में, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है सबको पता है, पर पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आएगा, पर यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं ग्राफ की हेल्प से देखूं तो ये क्या है, ओ ए। ठीक है ना, ये ओ ए ई बी डी सी मैंने सब डिनोट कर दिया। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ ए है। ठीक, अब ये टाइम के साथ ट्रेवल कर रहा है और इस टाइम पे, फाइनल टाइम पे ये यहां जाके रुक गया। ठीक, मैंने क्या किया, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ग्राफ में जैसे मैंने क्या किया, ये ग्राफ बनाया ऐसे, मुझे इस टाइम पे यहां वेलोसिटी चाहिए, तो ये वेलोसिटी है इस टाइम पे। ठीक है ना, ये वेलोसिटी है मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, किस टाइम पे, इस टाइम पे, और ये इसको भी यहां से मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो वो ज्वाइन करके ये पूरा ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये है, ये वेलोसिटी की एक्सिस तो ये है ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, दैट मीन्स यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी, ये जो वी है ये क्या हो जाएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर यहां मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूं, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये पूरा कितना है बी सी, ये क्या है मेरा फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब ये बताओ फाइनल वेलोसिटी ये क्या मैंने सही लिखा है, फाइनल वेलोसिटी जो है मैंने बोला उसकी जीरो से स्टार्ट हो रही है वेलोसिटी, जीरो से स्टार्ट हो रही है तो मैंने फाइनल वेलोसिटी है ठीक लिखा, आप बताओ फाइनल वेलोसिटी में क्या लिखा है मैंने, फाइनल वेलोसिटी में लिखा है बी सी इक्वल टू वी। ठीक है, तो इनिशियली उसकी जीरो से वेलोसिटी, मतलब मैं बेटा ये समझाना चाह रहा हूं कि हर चीज यहाँ जीरो से कैलकुलेट होगी,
यहां से यहां इनिशियल वेलोसिटी, यहां से यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इतना समझ आ गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे पता है वी नो ये ओ ए की जगह मैं सी डी भी लिख सकता हूं, वी नो ओ ए इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ओ ए सी डी, तो मतलब जो ओ ए की वैल्यू होगी वही तो सी डी की वैल्यू होगी ना, ठीक है, और जो ए डी की वैल्यू होगी वही ओ सी की वैल्यू होगी, एंड ओ सी इक्वल टू ए डी। इतनी चीज समझ आ गई, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके भी पैरेलल है, ठीक है ना। इतनी चीज तो सबको समझ आ गई, ओ से सी का जो डिस्टेंस हुआ, सपोज ये टाइम है ओ से सी, यही यहां पर होगा ए से डी में, यही यहां होगा, ये चीज तो सेम है। ऐसे ही जो बी डी है वही क्या होगा, ए ई होगा, जो ओ ए है ये डिस्टेंस है वही क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये और ये तो सेम है ना, पैरेलल है, ठीक, तो ये हमें पता है। सो अगर अब मैं देखूं कि मेरा यहां ये बी डी कितना हुआ, तो अगर मैं बी सी की बात करूं, माई बी सी इज गिवन बाय बी डी प्लस सी डी, लिख सकता हूं ये पूरा बी सी कितना हुआ, दिस प्लस दिस, सिंपल मैथमेटिक्स है, आई कैन राइट इट, ठीक है, और बी डी और यहां सी डी, और ये बी डी है और सी डी में क्या लिख सकता हूं बताओ मेरे को, सी डी, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए, यहां मैंने लिखा है, जो सी डी है वो क्या लिख सकता हूं, ओ ए इक्वल टू, और बी सी क्या लिख सकता हूं, बी सी, बी सी की वैल्यू हुई है, चलो यहां पर अभी बी सी लिखते हैं, तो मेरा यहां से बी डी कितना निकल के आया, बी डी निकल के आया बी सी माइनस ओ ए, इतना निकल के आया, ठीक है ना, बी डी क्या निकल के आया, बी सी माइनस ओ ए, क्लियर। अब मुझे क्या बताना है, मुझे इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, इसके बाद मैं यहां करता हूं, ठीक है ना, इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। एक्सीलरेशन, हम सबको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सबको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, ये हमने पढ़ लिया, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक, क्लियर है। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा ये आप बताओ, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बी सी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओ ए, मतलब वी माइनस यू, तो इस बी सी में से ओ ए माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी तो आ जाएगा, ये जो मैंने बी डी निकाला यही आएगा ना, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, बी सी माइनस ओ ए डिवाइड बाय टाइम कितना है, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय टाइम कितना है, ओ सी, ये टाइम है, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय टाइम, यही मेरी वेलोसिटी होगी, ये डिवाइड बाय ये बी सी, और बी सी माइनस ओ ए क्या है, बी सी माइनस ओ ए, व्हाट इज योर बी सी, बी सी इज वी, ओ ए इज यू, एंड व्हाट इज ओ सी, यहां ओ सी लिख लो, या यहां पर अगर आप चेंज लिख रहे हो पहले यहां ए डी लिखो, ठीक है, और मुझे पता है ए डी और ओ सी सेम है, तो ए डी और ओ सी सेम है, तो यहां टी, और ये क्या आ जाएगा मेरा एक्सीलरेशन, ये आ गया, समझ आया, बहुत सिंपल है बेटा, बस ग्राफ की हेल्प से करना है, मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ओ ए लिखा, उसको लास्ट में डालना है यू वी, क्यों, क्योंकि मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं ना, अभी इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है, फाइनल वेलोसिटी बी सी है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, बी सी माइनस दिस, और ये इसके इक्वल है, तो वी माइनस यू आ गया, डिवाइड बाय ए डी, डिवाइड बाय ए डी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ही तो बताता है, तो यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है, जहां v क्या है मेरी, v आपको सबको बताया क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, व्हाट इज माय u, दिस इज v, व्हाट इज माय u, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक, और t क्या है, t टाइम है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से रिजल्ट, याद रखना है वी इक्वल टू यू प्लस एटी। आइए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करना है। अब बेटा जो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हमने रिलेशन निकालना है पोजीशन और टाइम का, दैट मींस डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम। और आप सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी पहले उसको देखो अच्छे से, उसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एरिया है उसके अंडर द कर्व, कर्व के बीच में जो इस लाइन के नीचे एरिया है वो मेरे को क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व है, ओ ए डी बी ए, ठीक है ना, ये कहना ओ ए डी बी ए ओ, ठीक, यही वाला कर्व क्या बताता है मुझे, ये कर्व मुझे बताता है डिस्प्लेसमेंट का कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये कर्व, ये जो कर्व है एरिया अंडर द कर्व, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो ये एरिया कौन सा है, ओ सी डी बी ए ओ, एरिया अंडर द कर्व बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल है, इसमें एक ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है, हमने करा था प्रीवियस वीडियो में भी ग्राफ में, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्टेंस है एक तरह से, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, डिस्टेंस ही तो हो गया ना, ठीक। एस है जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये एस एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, कौन सा रेक्टेंगल है, ओ सी डी ए, ये रेक्टेंगल है ना, ओ सी डी और ए, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का कौन सा एरिया, ए डी बी, ये ट्राइंगल का एरिया, यही तो आ रहा है ना एरिया अंडर द कर्व। अब इस रेक्टेंगल के एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओ ए इंटू ओ सी लिख सकता हूँ, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ठीक। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये ए डी इंटू हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ये बी इंटू डी, यही है ना, इस ट्राइंगल क्या है, हाफ ओ ए डी इंटू बी डी, ये तो हो गया ट्राइंगल का एरिया। और दूसरा कितना है, ओ ए इंटू ओ सी, किसका एरिया हो गया, ओ ए इंटू ओ सी एरिया हो गया हमारे पास किसका, रेक्टेंगल का, ठीक, ये आ गया। अब आपको पता है ओ ए की वैल्यू कितनी है, एस के इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए इज यू, सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी कितना है, टाइम है टी, प्लस हाफ, ए डी कितना है, ए डी, मैंने इससे पहले वाली एक्सप्रेशन में बताया ए डी किसके इक्वल है, ओ सी के, जो ओ सी है उतना ही तो ए डी है, दैट मीन्स टी है टाइम, और बी डी कितना है, बी डी, ये लास्ट इक्वेशन में करा, बी डी कितना है, बी डी है BC माइनस DC, यही है ना, ये BD कितना होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास BD आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी अभी AD की जगह आप OC लिख सकते हो, ये AD की जगह OC, नेक्स्ट इक्वेशन में मैं सॉल्व कराता हूं, ये कितना होगा, U into T प्लस हाफ, OC कितना है T, BC माइनस AC कितना है V माइनस U, BC कितना है V, OC, DC कितना है, ये DC इक्वल टू OA है, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, V माइनस यू, इतना समझ आ गया आपको, V माइनस यू। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन पढ़ी,
उसमें v माइनस यू की वैल्यू कितनी आई थी, 80 आई थी। v माइनस यू की वैल्यू कितनी आई थी, 80। तो v माइनस यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसके बाद मैं यहां करता हूं, ठीक है। s कितना हो गया, ut प्लस हाफ t, और v माइनस यू की जगह क्या करना है, पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, जो इससे ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करना है। यहां पर कितना हो गया, v माइनस यू की जगह क्या है, मैं a मल्टीप्लाई बाय t कर दूंगा, सिंपल है। सो s इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये आ गया ना। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरे पास जो आई है, ये मेरे पास क्या आई है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। दिस इज सेकंड इक्वेशन, जो मैंने यहां लिखा है ना, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन मतलब s, टाइम है इसमें, पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर कभी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई, सपोज मतलब u की वैल्यू जीरो है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके बुक में, इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे, मैं भी अभी आपको न्यूमेरिकल कराता हूं उसके बाद। सो दिस इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मेरी है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली, v इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं क्या है। बेटा जो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो रिलेशन निकालना है, वो निकालना है हमने पोजिशन और विलोसिटी में, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और विलोसिटी में, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विलोसिटी मतलब उसमें टाइम नहीं आना चाहिए, ओके। तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक तो ये एरिया अंडर द कर्व है, एक तो ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ये पूरा क्या बन रहा है, ये अगर हम इसकी बात करें, इसको आप क्या बोलते हो, ये एक ट्रैपीजियम भी तो बनता है ना, ये एक ट्रैपीजियम भी बनता है, इसको हम, इसको ट्रैपीजियम भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम एरिया ऑफ ट्रैपीजियम से भी डिनोट कर सकते हैं, इस ट्रैपीजियम का एरिया निकाल के। ट्रैपीजियम का एरिया क्या होता है, बहुत सिंपल, ट्रैपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और यहां पर आगे हाफ। तो ट्रैपीजियम का एरिया क्या होता है मेरे पास, ट्रैपीजियम क्या हो रहा होता है, हाफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स, कौन सी दो पैरेलल साइड्स, ये वाली और ये वाली पूरी, ये और ये दोनों हैं तो पैरेलल ना, सही, एक और ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये दोनों का सम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस है, टाइम है ना, ये टाइम, यहां से ये निकालना है, ये होता है इसका एरिया। तो इसको लिखते हैं, बहुत ईजी है, ठीक, क्या चीज, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना, यहां से मैं इसको, लाइट चल रहा है इसमें, इससे करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ओ ए प्लस बी सी, पैरेलल साइड्स हो जी हैं ओ ए और बी सी इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ओ इंटू सी, हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, समझ आ गया, हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी, ये मेरी क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और ये इंटू हाइट। अब ये तो आपको पता है ओ ए की वैल्यू कितनी है यू, बी सी की वैल्यू कितनी है वी, और ओ सी की वैल्यू कितनी है टी, ठीक है, ये मेरा इसके इक्वल आ गया, एस के इक्वल आ गया। अब इसमें तो टाइम आ रहा है, हमें टाइम तो नहीं चाहिए, हमें तो पोजिशन और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तो हम टाइम को चेंज कर देंगे कैसे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से टाइम निकालूं तो कितना आएगा, v माइनस यू बाय ए टाइम, तो टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू, v माइनस यू बाय ए, मैं यहां सॉल्व करता हूं, V, ये क्या आएगा, ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, हाफ v प्लस यू, और t की जगह क्या आ जाएगा,
वी माइनस यू डिवाइड बाय, और पूरे के डिवाइड में क्या है ए, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, बहुत सिंपल आप सबको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी डिवाइड बाय टू ए। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू टू ए एस। सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक, कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ गया, इसमें देखो इन फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और पोजीशन है, डिस्टेंस है, टाइम कहीं नहीं है। ठीक है, सो दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको मैं रब करता हूं, आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एक साथ लिख के बताता हूं। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन एक साथ लिख के बताता हूं यहां। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। ये तीन मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार इसको, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। यही है ना, मे बी आपको रेड कलर में विजिबल ना हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square minus u square is equal to 2as. So these are my three equations of motion. ये है मेरी तीन equation of motion. इन तीन equation of motion के ऊपर numerical भी आता है, आपको question भी करने के लिए आता है। ठीक है, आइए question देखते हैं, question numerical कैसे solve करेंगे इन equation of motion पे। अब देखिए बेटा, ये numerical है, इसे आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल 8.6 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक, अब कोई भी और भी एग्जांपल करके देखना, नहीं समझ आए तो आई विल क्लियर योर डाउट श्योरली। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। उसने बोला एक कार एक्सीलरेट कर रही है, उसकी इनिशियल पहले कितनी स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 18 किलोमीटर पर आवर, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कब से कब तक, 36 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर हो गई उसकी। ठीक है, और व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 5 सेकंड, 5 सेकंड में इतनी होगी। तो ये चीज हमारे को गिवन है, सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। उसने बोला कि कार एक्सीलरेट, मतलब सपोज मैं बाइक चला रहा हूं, मैंने बाइक की रेस बढ़ाई, पहले मेरी स्पीड थी 18 किलोमीटर, अब कितनी होगी, 36 किलोमीटर। ठीक है, सो माय इनिशियल वेलोसिटी इज 18 किलोमीटर एंड फाइनल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 5 सेकंड। कैलकुलेट करना है हमें एक्सीलरेशन और डिस्टेंस कवर, मेरी एक्सीलरेशन कितनी है और कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और टाइम भी है, मुझे यहाँ v भी पता है, u भी पता है, t भी पता है, तो एक्सीलरेशन इजीली निकल जाएगी। क्या चीज याद रखनी है, किलोमीटर पर आवर है और टाइम सेकंड में है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में करना है। तो 18 किलोमीटर पर आवर मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में बताया था कि 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे करना है, u कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। ठीक, 18 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना, किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर है ना, और एक आर में 3600 सेकंड्स, तो ये कितना आ गया, 36 से 36, 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मैंने मीटर पर सेकंड में निकाली। अब यहां डालेंगे तो ये क्या करेंगे, v माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू ए, एक्सीलरेशन आ जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी है,
वी कितना है मेरा 10, यू कितना है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 5/5, कितना आ गया एक्सीलरेशन, तो यहाँ एक्सीलरेशन कितनी निकल गया है मेरी, एक्सीलरेशन निकल गया 1 m/s² यूनिट लिखनी जरूरी है, 5/5 कितना हो गया 1 हो गया ना, तो एक्सीलरेशन कितनी निकल गया है 1 m/s². समझ आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लगानी है आपको सब दिया हो। सेकेंड क्या पूछा आपसे, सेकेंड उसने पूछा डिस्टेंस कवर कितना है, मुझे पता है अगर मुझे टाइम पता है तो मैं इजिली निकाल सकता हूँ s = ut + 1/2 at², मुझे एक्सीलरेशन अब पता लग गया, एक्सीलरेशन पता लग गया तो मैं इस फॉर्मूला में डाल सकता हूँ, तो मेरा ये s आ जाएगा डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस है या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल लो, u कितना है 5, टाइम कितना है 5 + 1/2, एक्सीलरेशन कितना आया मेरा 1 m/s², टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 5² तो मेरा ये जो s निकल के आया व्हाट इज माय s 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 + 1/2 5² 25 तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का हाफ कितना होता है 12.5 दैट इज 37.5 m। सिंपल, तो मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर कितना आया 37.5 m। समझ आया आपको डिस्टेंस कवर कैसे निकाला, डिस्टेंस कवर कितना आया मेरे पास 37.5 m, किसका यूज किया मैंने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, ठीक है ना, सेकेंड इक्वेशन का मोशन का यूज करके मेरे पास कितना आ गया 37.5 m। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपको करने के लिए आएगा, एक बार इसको ध्यान से देख लो, इस तरह का न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो बहुत इजी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करी, कर सकते हो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ए एस निकालने के लिए, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता v² - u² 2as तो इससे भी तो ये s निकल जाता, निकल जाता, v कितना है मेरा 10² फाइनल वेलोसिटी, ये कितना है 5² 2 एक्सीलरेशन कितना है, ये और s निकालना है तो s कितना आ जाएगा मेरे पास 10² कितना होता है 100, 5² कितना होता है 25/2, यही आया ना s, तो यहां से भी कितना आएगा 75/2 आ गया, 75/2 कितना होता है 37.5 m/s। तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी निकाल सकते हो, तो इस से हमें यहां से इस आपको क्वेश्चन से पता चला कि न्यूमेरिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से यूज होता है, ठीक है।